इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है, और जितनी रिच यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है उतना ही रिच है यहाँ का कल्चर। और इसी रिच कल्चर का हिस्सा है यहाँ के कुछ बेहद कमाल के इंडिजिनस खेल, जिनको इंजॉय करते हुए आपको इंडिया की यूनिकनेस और डाइवर्सिटी दोनों का एहसास होता है। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन का ये बेहद खास प्रोग्राम इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम आपको ले जाने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के बेहद खूबसूरत राज्य मिजोरम, और बात करने वाले हैं वहाँ के कुछ बेहद निराले इंडिजिनस खेलों के बारे में। तो इस लिस्ट में पहला नाम है इबुआन कुश्ती का। इबुआन कुश्ती की शुरुआत सन 1750 में डुंगतलांग नाम के गांव से हुई थी। माना जाता है कि पुराने समय में गांव में आए हर नए व्यक्ति को गांव के सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ अपना दमखम दिखाना पड़ता था, और वहीं से इस खेल की शुरुआत हुई। जब मिजो लोग बर्मा से आकर लुशाई पहाड़ियों में बसने लगे, तब इसे एक खेल का दर्जा प्राप्त हुआ। इबुआन कुश्ती के इतिहास के बारे में तो हमने जान लिया, तो क्यों ना अब नजर डाली जाए इस खेल के रूल्स पर। खेल के रूल्स बड़े ही सिंपल हैं। मिट्टी या कारपेट पर बने 15 से 16 फीट के घेरे में दो फाइटर्स आमने सामने आते हैं, और दोनों का उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह अपने ओपोनेंट को जमीन से ऊपर उठा दिया जाए। ये खेल 30 सेकंड से 1 मिनट तक के 3 राउंड्स में खेला जाता है, और विजेता वही होता है जो अपने बल और अपने दावों से ज्यादा बार अपने ओपोनेंट को जमीन से ऊपर उठा दे। इस खेल में फाइटर्स को अपने कमर के ऊपर एक कैच होल्ड बेल्ट बांधनी होती है, जिसे पकड़ के दूसरा फाइटर उन्हें उठा सके। इस खेल में घुटनों को मोड़ना, ओपोनेंट को धक्का देना या किक मारना वर्जित होता है, और फाइटर्स को ग्रैपलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने बाजुओं की ताकत के सहारे ही ये खेल जीतना होता है। तो अब इबुआन कुश्ती, जहां पर धक्का मारना वर्जित है, से रुख करते हैं मिजोरम के एक ऐसे खेल की तरफ जहां धक्का मारकर ही जीत हासिल हो सकती है। क्यों, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, ये खेलने और देखने में और भी ज्यादा मजेदार है। मैं बात कर रहा हूँ मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा डिक्लेयर्ड मिजो नेशनल गेम की, जिसका नाम है इनसुकनोर। इनसुकनोर खेल है स्ट्रेंथ और स्टेमिना का, जो कि मिजो यूथ में बेहद लोकप्रिय भी है। माना जाता है कि पुराने समय में जब मिजो लोग धान कूटने के बीच थोड़ा आराम लेते थे, तब युवा लोग धान कूटने में इस्तेमाल होने वाले डंडे, जिसे सुख कहते हैं, उससे अपना पराक्रम और पौरुष दिखाते थे। वहीं से इस खेल की उत्पत्ति हुई और नाम पड़ गया इनसुकनोर। इनसुकनोर दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला खेल है, जिसे 16 से 18 फीट डायमीटर वाले घेरे में खेला जाता है। खेल की शुरुआत में दोनों खिलाड़ी एक 8 फीट के बांस के बने पोल, यानी सुक के एक एक हिस्से को अपनी बगल के नीचे पकड़ लेते हैं, और उस सुक के सेंटर को घेरे के सेंटर से अलाइन कर दिया जाता है। खेल शुरू होते ही दोनों प्लेयर्स अपनी ताकत से एक दूसरे को घेरे के बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी अपना बैलेंस खोकर गिर जाए या उसके हाथ से सुक छूट जाए, तो भी उसे पराजित मान लिया जाता है। अगर सुक का कोना जमीन को छू जाए, तो भी खिलाड़ी को नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं। इनसुकनोर में किसी भी खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को खींचने की अनुमति नहीं है। 3 राउंड के बाद भी अगर दोनों में से कोई खिलाड़ी किसी एक को घेरे से बाहर करने में असफल रहता है, तो एक बिना टाइम लिमिट वाला टाई ब्रेकर राउंड कराया जाता है, जिसमें तब तक हार जीत का फैसला नहीं होता जब तक कोई एक खिलाड़ी घेरे से बाहर नहीं कर दिया जाता। इनसुकनोर को अलग अलग वेट कैटेगरीज में भी खेला जाता है, मगर कैटेगरी कोई भी हो, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और एनर्जी की पूरी गारंटी होती है। और जब एक्साइटमेंट की ही बात हो रही है, तो रुक करते हैं मिजोरम के एक ऐसे खेल की तरफ जो अपनी एक्साइटमेंट और यूनिकनेस की वजह से लोगों में काफी पॉपुलर है। इसका नाम है इनार पथाई। ये खेल जो कॉक फाइट या मुर्गा कुश्ती से प्रेरित है, इसमें खिलाड़ी अपने बाजू और पांव को पकड़कर एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं,
और फिर एक दूसरे पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दूसरे खिलाड़ी की बाजू खुल जाए। अब बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो अक्सर 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसे खेलने में मजा भरपूर आता है और इसे जितनी बार चाहो उतनी बार खेल लो। इस मजेदार खेल का नाम है इंका विभा। इंका विभा बच्चों में खासा लोकप्रिय है और इसे लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं। इस खेल को 2 टीमें बनाकर जितने चाहे खिलाड़ी खेल सकते हैं। साथ ही इस खेल को खेलने के कई अलग अलग तरीके भी हैं, मगर सभी तरीकों में एक चीज कॉमन होती है और वो होती है इस खेल को खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज, जो कि है काबी, यानी एक लोकल बेल के बीज। और इसी वजह से इस खेल का नाम पड़ा इंका विभा। तो ये थे मिजोरम के कुछ कमाल अनोखे लेकिन बेहद रोमांचक खेल। ऐसे ही कई पारंपरिक खेलों से मिलती है हमारे देश को उसकी पहचान और अनेकता में एकता के नारे को और भी ज्यादा ताकत। फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के इस बेहद खास प्रोग्राम इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया का ये था लास्ट एपिसोड, लेकिन हम वादा करते हैं हम जल्द लौटेंगे कुछ नए पारंपरिक खेलों के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट इंडिया। जय हिंद।